प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। उस दौरान प्रयागराज की डिजाइनर वंदना राठौर ने पीएम मोदी के तोहफे के लिए खास शॉल डिजाइन किया था, जो कि शाहजहांपुर के कारीगरों के साथ ही प्रयागराज की रहने वाली डिजाइनर वंदना राठौर ने यह शॉल तैयार किया था। मोदी की यह रैली यूपी के सबसे बड़े लंबे एक्सप्रेसवे के लिए जितनी चर्चा का विषय बनी हुई है, उतना ही सोशल मीडिया में चर्चा का विषय यह शॉल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में भेंट किया गया यह शॉल बहुत ही स्पेशल है। प्रयागराज की प्रतिष्ठित डिजाइनर की अगुवाई में यह शॉल तैयार किया गया। इस शॉल को बनाने में कलाकारों को कुल 30 घंटे लगे थे। प्रयागराज की रहने वाली डिजाइनर वंदना राठौर ने दिन रात मेहनत करके यह शॉल पीएम मोदी के लिए तैयार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर चुके हैं। यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का होगा, जिसे 36,200 करोड़ रुपए में अधिक लागत से बनाया जा रहा। पत्रिका से बातचीत करते हुए वंदना राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह साल लगभग 30 घंटे की मेहनत का नतीजा है, जिसे उन्होंने बिना रुके थके शाहजहांपुर के कलाकारों और हस्तशिल्प कलाकारों के साथ मिलकर बनाया है। इस साल की परिकल्पना व निर्माण निर्देशन मेरे और मेरे पति का है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का मोटिव्स इस साल में दर्शाया गया। इसके साथ साथ इसमें कमल का फूल और राष्ट्रीय देश प्रेम महात्मा गांधी जी के कुछ चित्रों को भी अमृत महोत्सव की सोच के साथ यह मेल खाता है। ये जो शॉल मोदी जी को हम लोगों ने प्रेजेंट की है अपने जिले की तरफ से, इस शॉल को बनाने के लिए हमारे पास में जो हमारे जिला उद्योग केंद्र के डिप्टी कमिश्नर हैं दुर्गेश कुमार जी, उनका कॉल आया था और उन्होंने कहा कि इस तरह से एक शॉल तैयार होनी है और जिसमें हमारे ज़िले के 6 कारीगरों को, जो अच्छे कारीगर थे, उनको हम लोगों ने बुलाया और बुलाकर 3 दिन के अंदर में एक शॉर्ट नोटिस में उस शॉल को तैयार किया। और बाद में इसमें हमारे जो DM साहब हैं इंद्र विक्रम सिंह जी, उनका बहुत सहयोग रहा, उन्होंने निर्देशित किया और इस पूरी टीम में हमारी 6 कारीगर हमारे साथ में लगे, जिसमें उनको 12-12 घंटे की शिफ्ट में उन लोगों ने काम किया और 3 दिन तक लगातार काम करने के बाद ये जरी की शॉल हम लोग तैयार कर पाए। कारीगरों में हमारे साथ नुसरत फ़हीम, आमिर और राजू, आरिफ, उस्मान अली, ताहिर भाई, इस तरह से आरती, हम ये पूरी टीम ने काम किया तब जाकर ये मुश्किल काम हम लोग पूरा कर पाए, जिसमें विभाग का भी बहुत सहयोग रहा और उन लोगों की तरफ से हम लोगों को जो भी चीज़ें कहना चाहिए कि जो सुविधाएं या जो भी हेल्प हो सकती थी वो पूरी प्रोवाइड कराई गई। और साथ में हमारे जो ये कारीगर हैं, हुनरमंद हैं, इस पूरे क्षेत्र को एक नाम देने के लिए कि ये जरी का काम यहाँ का फेमस है, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, ये पूरा एरिया जरी के लिए काम के लिए जाना जाता है और यही ध्यान में रखते हुए हमने जरी जरदोजी के काम को इसमें हाईलाइट किया। और क्योंकि इसमें थीम जो थी वो 75वां जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसको ध्यान में रखी की गई, इसलिए झंडे के 3 रंगों का इस्तेमाल, 4 रंग का इस्तेमाल किया गया और वही इंडिपेंडेंस पेट्रियोटिक थीम को ध्यान में रखते हुए सारे मोटिव्स को जरी के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि कसब हो गया, दबका है, नक्शी है और रेशम है, इस तरह की चीज़ों पर काम करके इसको उकेरा गया और सबके सहयोग से ही हम लोग इस मुश्किल काम को इस 3 दिन के छोटे समय में पूरा कर पाए।